तीन साल से सिर्फ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और गवर्नमेंट की तरफ से खाली जो है टालम टोली का धंधा किया जा रहा है। ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार की नीति और नीयत पे अपन को सवाल है। खाली जाति के नाम पे आपस में झगड़ा लगाकर इस मुल्क के अंदर जो है इंतजार फैला रही है, क्योंकि उनके सैलरीज में कमी होने की वजह से ना तो उनके एजुकेशन हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं। 1,30,000 एम्प्लॉयज जो है हमारे KSRTC में काम करते हैं, इनके जिंदगियों का सब दारो मदार जो है सरकार के ऊपर होता है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो पूरी बस को पूरे कर्नाटक के अंदर फिर बंद करके हम अपना डिमांड को फुलफिल करना हम जानते हैं। दुनिया की मजदूर, दुनिया की मजदूर, हम इनकलाब, इनकलाब, वी वांट कार्मिक विरोधी नीति सरकार के समिति की तरफ से आज सेंट्रल ऑफिस के सामने तमाम स्टेट के अंदर जहां डिवीजन ऑफिस है और जहां सेंट्रल ऑफिस है एक दिन का धरने का जंटी समिति की तरफ से ऐलान किया गया था। उसी ऐलान के तहत हम लोग आज सेंट्रल ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से हमारा एक ही डिमांड है कि पिछले 3 साल से हमारे जो चार्ट ऑफ डिमांड्स हमने सबमिट किए थे हर 4 साल में हमारा पे स्केल होना है, मगर 3 साल हो गए मैनेजमेंट और गवर्नमेंट हमसे बुलाकर बात करने को तैयार नहीं है। हमारा डिमांड एक ही है कि हमारे जो चार्ट ऑफ डिमांड हैं सरकार और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे जॉइंट समिति के तमाम जिम्मेदारों को बुलाकर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के बात करके हमारे जो है जो भी डिमांड्स उन पर डिस्कशन करें और उसका मसले हल निकालें। पिछले 3 साल से सिर्फ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और गवर्नमेंट की तरफ से खाली जो है टालम टोली का धंधा किया जा रहा है। इससे पहले हमने कई मरतबा जो है सरकार के सामने हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे जीने डिमांड है इसके ऊपर बात की जाए। ये पहली मरतबा ऐसा है कि इतनी देर तक हमारे डिमांड नहीं हुए। इससे पहले हमारे साल 1.5 साल के अंदर हमारे चार्ट ऑफ डिमांड जो भी थे उसके ऊपर डिस्कशन होता था, बात होती थी, सरकार हमारे डिमांड को मानती थी। ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार की नीति और नीयत पर अपने को सवाल है। ये सरकार चाहे तो एक ही दिन के अंदर बुला के हमारे बात करके सरकार जो है मसले कर लेती। ये सरकार इसका स्टेट के अंदर खाली जाति के नाम पे आपस में झगड़ा लगाकर इस मुल्क के अंदर जो है इंतजार फैला रही है। ये सरकार को चाहिए कि हमारे जो डिमांड है जो चार्ट ऑफ डिमांड्स के ऊपर पूरा तवज्जो देकर इमीडिएट मसले का हल निकाले, वरना आने वाले दिनों के अंदर जंटी समिति 2012 और 2016 के अंदर हमारे डिमांड के लिए हमने रोडों के ऊपर अपने स्ट्राइक करके हमने अपने मसले का हल निकाला था। वरना सरकार अगर इस बात पर अगर नहीं मानती तो आने वाले दिनों में जंटी समिति जो कॉल देगी उसके ऊपर हम पूरी ताकत के साथ आने वाले दिनों में हो सकता है स्ट्राइक के लिए भी जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ, बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे को कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आज तक नहीं मिला कि मजदूरों के मसाइल को सुनकर मसले का हल निकाले। एक तरफ तो मैनेजमेंट में मसले एम्प्लॉयज़ के ऊपर बेइंतहा हरासमेंट है, हर बात के ऊपर मीमो और चार्जशीट का बाजार गर्म है। ऑफिसर्स के अंदर जो है एम्प्लॉयज़ के साथ कोई नरमी का मामला नहीं है। इतनी तकलीफ में इतनी महंगाई के अंदर आज हमारे को जीना मुश्किल हो गया है। सरकार से हमारी डिमांड है कि हमारे कोई ऐसे जीने ऐसे कोई दूसरे डिमांड नहीं है, हमको जीने के लिए हमारा पे स्केल अच्छी तरह से कर मसले का हल निकाल के करके देंगे, मेरे को उम्मीद है। वरना आने वाले दिनों के अंदर फिर एक मरतबा अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो पूरी बस को पूरे कर्नाटक के अंदर फिर बंद करके हम अपना डिमांड को फुलफिल करना हम जानते हैं। मैं फिर एक मरतबा सरकार से हमारे डिमांड के बारे में हमारे सिद्धार्थ पालकी साहब आप बताएंगे, आप सामने फ्रेश लीडर वो चार्ट ऑफ डिमांड्स के बारे में बताएंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी बात को सरकार के सामने रखें। मेरा नाम अब्दुल कलीम, जनरल सेक्रेटरी KSRTC स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन, जंटी समिति का मैं भी एक मेंबर हूं। आप लोगों को मालूम है कि आज एक दिन का धरना सारे कर्नाटक स्टेट में डिवीज़न ऑफिस हो या सेंट्रल ऑफिस हो इनके सामने बैठ कर मैनेजमेंट को एक इंटीमेशन एक चेतावनी देने के लिए ये धरना आनंद सुब्बाराव और प्रोफेसर शर्मा साहब के नेतृत्व में पूरे स्टेट में किया गया है। जैसा कि मीडिया को भी मालूम है, आप लोग भी मुसलसिल 3 साल से ये खबरें जो है छाप रहे हैं, टीवी के ज़रिए जो है नशर किए जा रहे हैं। ये खबरें देखते हुए भी जो है मैनेजमेंट जो है आज आँख मूँछ के जो है खामोश बैठी हुई है। 1-1-2020 से जो हमारे डिमांड्स होना था, जो हमारी पे स्केल होना था, इस अभी तक जो है हमारे को बुलाकर जो है ये लोगों ने बात नहीं की। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे सामने क्या KSRTC वर्कर्स की कोई इज्जत नहीं है, क्या दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को जो है
पे स्केल जो है उनको बुला के करके दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सैलरीज को बढ़ा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सैलरीज बढ़ रहे हैं, हमारे केएसआरटीसी एम्प्लॉयज के लिए जो है गवर्नमेंट नज़रअंदाज कर रही है। आप देख रहे हैं कि तीन सालों से कितनी मुश्किल में हमारे एम्प्लॉयज जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि उनके सैलरीज में कमी होने की वजह से ना तो उनके एजुकेशन हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं। आप जानते हैं कि 1,30,000 एम्प्लॉयज जो है हमारे केएसआरटीसी में काम करते हैं, इनके जिंदगियों का सब दारो मदार जो है सरकार के ऊपर होता है। सरकार जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को देख रही है, उसी तरह से जो है हमारे केएसआरटीसी के एम्प्लॉयज को भी देखने चाहिए। आप जानते हैं आने वाला इलेक्शन है, उसके बाद आप कोड ऑफ कंडक्ट भी लेने वाले हैं, उससे पहले पहले कि सरकार इलेक्शन से पहले जो है हमारे डिमांड्स को पूरे करे, वरना 1,30,000 एम्प्लॉयज फिर जो है ये रोडों पे डरेंगे। इलेक्शन के लिए जो है आपको दुश्वारी होगी, आप जानते हैं आपको आगे आने वाले इलेक्शन में जो है किस तरह से दुश्वारी उठानी पड़ेगी। हम आप लोगों को चेतावनी देते हैं, 1,30,000 एम्प्लॉयज नहीं है, इनके पीछे खानदानों के खानदान पड़े हुए हैं। ये खानदान अगर से नर्वस हो जाएंगे तो ये आप लोगों को भी भारी पड़ सकता है। हम जो है आज मीडिया के जरिए या टीवी के जरिए या आप लोग पेपर के जरिए आप लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैनेजमेंट इमीडिएट जो है हमारे जंटी क्रिया समिति को बुलाकर उनके अध्यक्ष को, उनके प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को बुलाकर बात करें, वरना जो है हालात खराब हो जाएंगे। हालात जब बिगड़ेंगे तो जो है ये इसका इल्ज़ाम आप ही के गवर्नमेंट पे होगा। ये बात कहते हुए 2020 से जो हमारे को पे फिक्सेशन होना है वो भरपूर 25% जो है मर्ज करके हमको देना है, क्योंकि हमेशा हमको जो है पिछले 6-7 इनके फिक्सेशन हुए हैं, उन फिक्सेशनों में हमें न्याय नहीं मिला है। इस बार हमको न्याय देकर जो है हमारा काम, हमारे को जो है हमारे सैलरी में जो है बढ़ोतरी करना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को और ये जल्द से जल्द जो है ये काम को जो है तकमील करके हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। धन्यवाद। मैं सैयद इस्माइल पटेल, चीफ वाइस प्रेसिडेंट, SC/ST यूनियन, सदस्य क्रिया समिति, राज्य रस्ते सारिगे संस्थे KKRTC ಇಂದ ನಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀರಾಮರು ಸಾಹೇಬರು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆದು ಕೂಡಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ತೆರೀರಿ, ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಚಮಚಾಗಿರಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರ್ಮಾಜಿಯವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು AIRTCಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಂತ ಸುಬ್ಬರವರಾಗಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆದು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡಿ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ 130,000 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ನಾವು 1947 ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ 3 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಡಕು ಹಾಕಿ ದಿನ ದೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಲೀಡರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಕಿವಿ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆದು 130,000 ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಒಂದು ತುಟಿ ಭತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ತಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಗ್ಗದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ರೋಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯ ಸಾಹೇಬರಿಗಾಗಲಿ, ಮಾನ್ಯ ರಾಮನು ಸಾಹೇಬರಿಗಾಗಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಕರೀರಿ, ಕರೆದು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಧರಣಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ.
ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.